इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी टू शाइन। जैसे जैसे नीट 2025 का एग्जाम नजदीक आ रहा है, यही मौका है कि आप अपने बेस्ट पोटेंशियल को यूज करो और नीट 2025 के एग्जाम को क्रैक करके दिखाओ। नहीं, एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा चीजी हो रहा है, फिर से ट्राई करते हैं। नीट 2025 आपको एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन पता नहीं है कैसे। मुझे पता है कैसे, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे। स्टार्ट करते हैं। 4 May 2025 इज दी डे जब आप अपने पूरे एक साल की मेहनत सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में यूज करने वाले हो। पूरा एक साल बस 3 घंटों में। इसका मतलब इस एक एग्जाम में कुछ खास तो है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस एक एग्जाम से वो स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं जो सबसे बेस्ट है, और उन बेस्ट स्टूडेंट्स में से आप भी हो। इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे एक साल में आपको क्या कैसे करना चाहिए, ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। इवन अगर आप उन बच्चों में से भी हो जिनका पिछला एक साल वेस्ट हो चुका है, फिर भी इस एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इवन बाकियों से भी बेटर, प्रोवाइडेड कि आप इस एक साल में प्रॉपर प्लान्ड तरीके से मेहनत के साथ चीजों से डील करो। ठीक है, तो कुछ चीजें बता देता हूँ जो आपको पहले ही पता है। टोटल में 720 मार्क्स का एग्जाम है, 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट विद 35 कंपलसरी क्वेश्चंस और 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिसमें से आपको करना है कोई अपनी चॉइस के 10, यानी टोटल 45 क्वेश्चंस और 4 सब्जेक्ट्स के मिलाकर 720 मार्क्स। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब स्टार्ट इस एक अप्रोच के साथ करो कि अगले एक साल तक तुम अपने साथ और अपनी प्रिपरेशन में जो करने वाले हो, जैसा करने वाले हो, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा, उसके लिए सिर्फ एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल है, और वो हो खुद तुम। ये कोई और आके तुम्हें बताए, इसका वेट नहीं करो, बल्कि अभी इस वक्त से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट करो, क्योंकि इस एक चीज की मदद से तुम चीजों को डिफरेंटली अप्रोच करना स्टार्ट करोगे। नंबर 2, मोमेंटम। अब जब एक बार आपने फुल एनर्जी के साथ चीजें स्टार्ट कर ली हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने मोमेंटम को ब्रेक नहीं होने दो, और इसी टोन में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि अपने एफर्ट्स को बार बार ऑन ऑफ मोड में चलाने से अच्छा है आप पहले से ही उतने एफर्ट्स दें जितना आप कंफर्टेबली कंटिन्यू कर पाए, और फिर धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे कंफर्टेबल इंक्रीमेंट्स करें। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने का एक काफी इजी तरीका है। कई लोग ये पूछते हैं कि हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते वक्त हर दिन कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब ये रिक्वायरमेंट हर किसी के लिए तो अलग है, इसीलिए इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते। स्टार्ट विद जस्ट 1, यस ओनली 1 आवर। हर दिन 1 घंटा ये डिसाइड कर लो कि कुछ भी हो जाए इतना टाइम तो मुझे पढ़ना ही है, और फिर जैसे जैसे इस चीज को आप अपनी हैबिट बना लो, फिर धीरे धीरे इसमें छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स करो, जब तक आप इस टाइम को 4 से 8 घंटा पर डे ले जाओ, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन रीजंस, कैपेबिलिटीज एंड प्रेफरेंसेस। अब देखो, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सी चीजें सजेस्ट की हैं, और यहाँ मैं एक और चीज ऐड करके आपको यूनिवर्सल बुक्स की तरफ से स्मार्ट एरेडलेस फिजिक्स और स्मार्ट एरेडलेस केमिस्ट्री बुक्स रिकमेंड करूंगा। और क्योंकि इन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है, मैंने खुद अपने पर्सनल लेवल पे पिछले 2 हफ्तों से इस बुक को चेक किया, और मेरे हिसाब से ये बुक नीट एस्पिरेंट्स के लिए डेफिनेटली अप टू द मार्क। पहले तो स्टडी मटेरियल ऑथेंटिक पब्लिकेशन की तरफ से है, दूसरा बुक का सभी मटेरियल हेवीली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी की तरफ से अरेंज और कंपोज किया गया है। मैंने पर्सनली नोटिस किया कि बुक में हर छोटे से छोटे कंसेप्ट के ऊपर कई सारी वैरायटी के और ढेर सारी क्वांटिटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें थ्योरी, माइंड मैप्स, समरीज, PYQs जैसे कई सारे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा डिटेल्ड सॉल्यूशंस और उनके वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी है जो आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज, इसके साथ आपको इसकी फ्री मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सेस भी मिलेगा, जहां आप अनलिमिटेड ऑनलाइन टेस्ट्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए सही है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। नंबर 3, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल क्वालिटीज। देखो, ये चीज थोड़ी ध्यान से सुनना। एग्जाम के लिए सलाह देने के लिए आपको अनलिमिटेड लोग मिल जाएंगे, और फिर इन लोगों की एडवाइसेस का एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सेट भी बन जाता है। लेकिन क्या सारी एडवाइसेस सही हैं? और अगर मान लो, चलो सारी एडवाइसेस सही भी हैं, पर क्या सारी ही फॉलो करनी है? देखो, फिल्टर करने के लिए एक बेसिक सा रूल बताता हूँ। ये छोड़ो कि कौन सी एडवाइस किसने दी, सुनने में कैसी लग रही है, और उस इंसान ने खुद अपने एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया था, क्योंकि ये सारी चीजें जेन्युइनली इररिलेवेंट है। बस ये सोचो कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हर किसी के पास कुछ कोर क्वालिटीज होती है और कुछ वेरिएबल क्वालिटीज होती है। ये कोर क्वालिटीज एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेन स्टैंडिंग पिलर्स, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना, मिस्टेक एनालिसिस करना, मल्टीपल रिविजन करना, वगैरह वगैरह। ये समझ लो कि इन सब चीजों का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, और ये सब आपको करना ही
पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि यही सही तरीका है। इसके बाद आती है हमारी वेरिएबल क्वालिटीज। ये वो चीजें हैं जो सही है या गलत, अच्छी है या बुरी, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और आपको खुद डिसाइड करना है कि ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। आपको अपने शेड्यूल में ये सब ऐड करना है या नहीं करना है, ये आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। कोई रात में पढ़ने को बोल रहा है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहा है, कोई दिन में 2 मॉक टेस्ट दे रहा है, कोई सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मॉक टेस्ट दे रहा है, कोई शॉर्ट नोट्स बना रहा है और कोई टेक्स्ट बुक पर ही हाईलाइट कर रहा है, वगैरह वगैरह। इन सभी वेरिएबल चीजों में अपना दिमाग ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है। जो पसंद आए वो अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करो, जो पसंद नहीं आए सुन के इग्नोर करो। ओके, बहुत हो गया इधर उधर का ज्ञान, अब कुछ जरूरी बातें बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। सिलेबस चेंज की वजह से आपके पढ़ने के तरीके में थोड़ी बहुत चेंज लाना जरूरी है ताकि आप हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाओ। नंबर 1, फिजिक्स। इसका जनरल तरीका आपको पता ही है, क्लासेस अटेंड करने के बाद आपको डिटेल्ड रिवीजन करना है और उसके बाद कंटिन्यूअसली फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस रिवाइज करते जाना है। इससे ये होगा कि आप उस दिन जो कंसेप्ट पढ़ के आए हैं वो आपको उसी दिन सॉलिडिफाई करना है अनिहाउ। आई नो ये सब करते टाइम मूड बिल्कुल नहीं होता, बट ट्रस्ट मी, एक बार अगर आपने ये हैबिट इनकॉर्पोरेट कर ली उसके बाद ये कॉन्सेप्ट्स परमानेंटली आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे और ये सब भूलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आपको कई सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स और फिर धीरे धीरे उसे एडवांस तक लेके जाना, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस कम हो रहा है चांसेस है कि एब्सोल्यूट बेसिक या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की बजाय कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि जो कम ही कॉन्सेप्ट्स है उनमें आपको अच्छे से टेस्ट किया जाए। स्टडी मटेरियल की बात करें तो चूज अ गुड स्टडी मटेरियल, प्रेफरेबली उसी इंस्टीट्यूट का जहां आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। और फाइनली जो सुनने में सबसे ज्यादा रिपीटेटिव लगता है, स्टेटमेंट बेस्ड और एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस करने हैं। ये बोलते बोलते मैं लिटरली तंग आ चुका हूँ, बट यही सत्य है। Assertion, reason और statement based questions नीट में हर जगह आते हैं और अब physics subject में भी आने लगे, क्योंकि यही वो questions है जहां आपको सबसे ज्यादा time लगता है और इन्हीं questions की वजह से exam में लोग पीछे रह सकते हैं। इसीलिए इन questions को अच्छे से practice करना है और जल्दी करने की practice करनी है ताकि exam में इन questions की वजह से आप कभी भी ना फंसो। Coming to number 2, chemistry। इसमें तो मेरे अकॉर्डिंग आधे से ज्यादा सिलेबस पहले ही डिलीट हो चुका है, मोस्टली फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। इन अ वे इट विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, इसलिए चांसेस है कि आप उस बचे कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन से ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप उस चीज को ज्यादा प्रैक्टिस करके उस एक चीज पर अच्छे से महारत हासिल कर सकते हैं। बात रही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें अब अचानक से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है। जैसी चीजें चलती आ रही हैं वैसी चलती रहेंगी और एज ऑलवेज एनसीईआरटी इज द किंग हियर। हाँ, यहाँ भी आपको अपने कंसेप्ट साथ साथ में सॉलिडिफाई करने हैं, क्योंकि assertion, reason और statement based questions पे यहाँ पर भी आपके concepts test हो सकते हैं। Third and the last one, biology। यहाँ पर सदियों से एक ही दास्तान चली आ रही है और अभी भी वही दास्तान relevant है, NCERT is must। पढ़नी तो NCERT है, but important ये है कि conceptual clarity सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे time भी biology में अच्छे level के questions आए थे और दिन ब दिन biology के questions का level बढ़ता ही जा रहा है। इस बार भी syllabus reduce हो चुका है, इसीलिए multiple concepts को mix करके अच्छे level के questions आने के chances ज्यादा है। ये तो थी subject wise चीजें जो मैंने आपको बताई, लेकिन ध्यान की बात यह है कि इसमें कई सारी चीजें हैं जो तीनों subjects के लिए common है। Number 1, assertion, reason और statement based questions। ये questions दो तरह से significant है। पहले तो कि यही वो questions है जहां examiner students को फंसाने की ट्राई करता है, तो अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो एग्जामिनर के डिस्टर्बिंग पॉइंट को आप पहले ही टैकल कर पाएंगे। एक और चीज जिस पे आपको पेपर में ध्यान रखना है वो है मुश्किल यानी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ये भी दो तरीकों से इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला, मैंने आपको बोला कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से चेक करते हैं, जो कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं आता। दूसरा, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इनको हम स्टम्बलिंग ब्लॉक्स कहते हैं और एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पर ऑफ हो जाएंगे। ओके, तो अब एक और चीज, आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड करना है। नंबर 1, अर्ली प्रिपरेशन फेज। इसमें आपको एक पर्सनलाइज्ड स्टडी शेड्यूल बनाना है और धीरे धीरे अपनी वीकनेसेस को टैकल करना है, स्ट्रेंथ्स को ओवर बिल्ड करना है और सारी चीजें आराम से कवर करते जाना है। अच्छा स्टडी मटेरियल चूज करना है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है और इसी स्टेज से आपको टेस्ट देना भी स्टार्ट करना है ताकि आप अपनी वीकनेसेस को यही से खत्म करते जाओ और धीरे धीरे अपने गोल के नजदीक जा पाओ। नंबर 2, मिड प्रिपरेशन फेज। इस प्रिपरेशन फेज के खत्म होने तक आपका सिलेबस भी खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, कुछ वीक पॉइंट जरूर रह जाएंगे, बट उनको आपको अपने टेस्ट के साथ धीरे धीरे कवर करना है और आपको एटलीस्ट ये तो पता होनी चाहिए कि क्या चीजें जिन पे आपको फोकस करना है और आप अपनी सिली मिस्टेक्स को कैसे धीरे धीरे अवॉइड करते जाएं और इम्प्रूव करते जाएं। नंबर 3, फाइनल प्रिपरेशन फेज, अप्रोचिंग द एग्जाम। यहाँ आपको फाइनल रिविजन स्ट्रेटेजी बनाकर उस पर काम करते जाना है और रिविजन और टेस्ट पे फोकस करते करते अपने स्कोर को इम्प्रूव करते रहना है। इसी स्टेज में आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे टाइम बचाकर न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना, एग्जाम में पेपर के लेवल को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी को और टाइम मैनेजमेंट को इसी के साथ शिफ्ट करना और कई सारी ओएमआर फिलिंग, टेस्ट अटेम्प्टिंग और एनालिसिस स्ट्रेटेजीज। इसी के साथ दिस विल मार्क द एंड ऑफ योर नीट 2025 प्रिपरेशन।
ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से नीट 2025 का एक स्टडी प्लान। होपफुली इससे आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी और इनको आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नीट 2025 एग्जाम के लिए पढ़ो। मैं जा रहा हूँ अपने खुद के सब्जेक्ट्स पढ़ने। बाय।